और अब इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। 2017 से पहले होती थी भर्ती में वसूली, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। चाचा भतीजा भर्ती में वसूली करते थे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ का ये निशाना, उत्तर प्रदेश के जिले खानदान में बढ़ जाते थे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसका उदाहरण था यूपी में लेखपाल की भर्ती, हमारे शासन में पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। देखिए, लगातार योगी सरकार समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी लगातार पेपर लीक और भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। और अब जोरदार पलटवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, निशाने पर लिया गया है समाजवादी पार्टी को। 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया, इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो ये नहीं देखने को मिला। और बिना किसी भेदभाव के उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक ये प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक से लेकर भर्तियों तक को लेकर योगी सरकार को समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही थी, ये तो बड़ा ही जोरदार हमला माना जाएगा जो आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, सीधे निशाने पर, किसी एक को नहीं, जोड़ी चाचा भतीजे की वसूली वाली कहकर और पूरे खानदान में जिले बांट दिए जाते थे, मतलब पूरे परिवार को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया योगी आदित्यनाथ ने। निश्चित रूप से रोमाना, और आप देखिए जो बीता लोकसभा चुनाव है वो जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आया है उनमें से एक भर्ती परीक्षाएं और पेपर लीक भी है। अखिलेश यादव ने अपने हर मंच से, अपने हर कार्यक्रम से ये बात कही है, और ना ही केवल अखिलेश यादव बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं उन्होंने हर अपने कार्यक्रम में ये बात खुलकर कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 7 साल के भीतर जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक हुए हैं, भर्तियों में पारदर्शिता नहीं चल रही है, आरक्षण के मुद्दे को उठाया और उसके बाद में आपने देखा कि काफ़ी नुकसान भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा का मुद्दा अहम विषय है, ये रोमाना में बार बार कह रहा हूँ। और अब चूँकि यूपी में 10 सीटों के बाई इलेक्शन हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 में, तो उसकी भूमिका बनाने का काम कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मतलब एक तरीके से ये रणनीति में शिफ्ट माना जाएगा ना संजय त्रिपाठी, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होती है, खुद बीजेपी की तरफ से एक आंकलन ये सामने आता है कि साहब वो झूठ का नैरेटिव विपक्ष का चल गया, तो अब उसी नैरेटिव को हेड ऑन लेने के लिए इस बयान को देखा और समझा जाए योगी आदित्यनाथ के। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि आप जिस तरह की युवाओं के भीतर बार बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुने तो वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भ्रम फैलाया, झूठ जानकारी दी, गलत जानकारी दी, जिसको लेकर के वोटरों को बरगलाया गया। अब उन्हीं जो काउंटर करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और आप देखिएगा 2024
27 से पहले जो 10 विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन है उसमें लगातार भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक, इन सब पर भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला करेगी, जिसकी शुरुआत आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने की है जी। पहले भी कई बार योगी आदित्यनाथ भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह के प्रमाण पत्र बांटते हैं, नौकरियों के सर्टिफिकेट देते हैं, उसके पूर्व भी ये बात कही है, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव बीता है और भाजपा को खासा नुकसान हुआ, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी रणनीति यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आक्रामक, और वही पेपर लीक परीक्षा के अंदर, और साथ ही साथ जो भर्ती का मामला है और किस तरीके से आरक्षण जो है वो खतरे में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक जो मुद्दा बनाया गया विपक्ष की तरफ से, जिसे बीजेपी की तरफ से कहा गया कि साहब ये एक नैरेटिव है जो कहीं ना कहीं झूठा नैरेटिव गढ़कर विपक्ष ने फायदा ले लिया, अब उसी की हवा निकालने के लिए रणनीति यहां पर फिलहाल ये नजर आ रही है बीजेपी की कि अब हेड ऑन लिया जाएगा इस मामले पर विपक्ष को, और उसी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ करते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं कि सीधे इस मामले को लेकर 2017 से पहले की याद दिला रहे हैं, चाचा भतीजे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।